युवराज, अभी एक सवाल है मेरा कि जैसे मैथ्स में एक कैलकुलेशन एस्पेक्ट होता है, जैसे 10th तक की मैथ्स को अगर हम देखते हैं या 12th की मैथ्स भी देखते हैं, BSc की मैथ्स देखते हैं, तो वहाँ कैलकुलेशन इंटेंसिव गेम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मेनली प्रूफ करना है या सॉल्व करना है तो बहुत टाइम होता है, आपको हर स्टेप लिखना होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आके आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके लिए कुछ स्पेशल अटेम्प्ट आपने किए थे? एक्चुअली कैलकुलेशन को लेके मैंने कुछ खास स्पेशल कुछ भी नहीं किया था, कोई ऐप का यूज़ कुछ भी नहीं, मैंने आज तो कुछ भी नहीं किया था, ना कोई वीडियो मैंने देखा कभी कैलकुलेशन। बस मेरा ये मानना था कि जो कैलकुलेशन करनी है वो अपने अंदर से आनी चाहिए, आप जितनी ज़्यादा कॉपी पे लिखोगे उतना ज़्यादा आपका हेल्प होगा उन चीज़ों में। तो मैं जब क्वेश्चन करता था ना, तो मैं सारे क्वेश्चन कॉपी पे लिख के करता था हमेशा ही, भले ही मैं वो मुझे नहीं कर लेता था, स्टिल मैं उसको कॉपी पे, क्योंकि मेरी पेन चलाने की जो स्पीड थी ना वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी ये कर करके। अगर मैं एक दिन में 200 सवाल करता था, मैं सारे 200 सवाल लिख के सॉल्व करता था, तो इससे क्या होता था ना कि मेरी पेन चलाने की स्पीड बढ़ गई थी। और जब आप लिखते हो हर चीज़ों को तो बार बार आपके माइंड में वही चीज़ आती रहती है, अगर बार बार आप 14.28% लिख रहे हो ना, आपके माइंड में अपने आप आ जाएगी कि 1/7 ही होता है। मैंने इस चीज़ के लिए भी कभी वीडियो नहीं देखा है, कि वो मुझे पता नहीं था कि ये इसका वीडियो अलग से पड़ा हुआ है कहीं यूट्यूब पे कि 12.5% का 1/8 होता है, ये वही लिख लिख के आया था मेरे पास कि अच्छा 12.5 बार बार 1/8 आ रहा है तो ये 1/8 ही होगा। तो मेरी कैलकुलेशन इसी से आई है, धीरे धीरे डेवलप हुई, टाइम लगा, बट वो मैं मॉक के थ्रू ही मैंने किया है ऑलमोस्ट। कैलकुलेशन के लिए मैंने कुछ स्पेशल कभी नहीं किया, जो था मैंने मेन प्रैक्टिस से खुद की बेसिक कैलकुलेशन मैंने करी है। कभी भी जैसे 312 × 525 है तो ये मैं खुद से करता था कैलकुलेशन, कोई ट्रिक नहीं ढूंढता था, या 99 का कभी मैंने कोई स्क्वायर, हाँ कुछ स्क्वायर्स मुझे जरूर याद थे, स्क्वायर वो भी लिखते लिखते याद हो गए थे, 50, 60, 70 तक तो याद ही हो गए थे, इवन ज़्यादा याद हो गए थे वो, जब मेन जब अपना पीक टाइम होता था उस टाइम तक मेरी सारी चीज़ ऑलमोस्ट याद हो गई थी, और वो याद लिखते लिखते हुई थी। बार बार वही कैलकुलेशन आता है सच्ची में, ऐसा नहीं है कि कुछ खास रिलेवेंट क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन भी घूम घूम के आता है वही चीज़। अगर आप बार बार वही चीज़ कर रहे हो ना, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वही चीज़ बार बार आपके पास आएगी, हर बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, 21×11 आ रहा है, बार बार 22×12 आ रहा है, 264 होता है ये चीज़। ये चीज़ करते करते याद हो गई थी, और मेरी आदत थी लिख के करने की सारी चीज़ें, मैं वोकैबुलरी भी लिख के पढ़ता था, तो इससे ना मेरी लिखने की स्पीड बढ़ गई थी। और वो लिखते लिखते जो ना कोई कैलकुलेशन अगर आई तो 312×728 करनी है तो बिल्कुल इरेलेवेंट है, बट ये भी मैं जल्दी लिख के कर लेता था 10-15 सेकंड में। ये बस प्रैक्टिस से हो गई थी, कुछ खास एक्स्ट्रा मैंने इसके लिए नहीं करा कभी। टेबल्स वगैरह 30 तक याद थी आपको, 20 तक? टेबल्स तो याद तो 20 तक ही होते हैं सबको, बट याद करते करते वो 40 तक हो गई थी एक टाइम पे, मतलब इतनी बार उस चीज़ को करा था हर जगह के मार्क्स दे देंगे। और जितनी ज़्यादा मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि जितनी ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को लेकर, उतना ही ज़्यादा अननेसेसरी वीडियोज़ में या अननेसेसरी ट्रिक्स के चक्कर में फंसने में, उसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं ट्रिक्स याद करने। अब ट्रिक्स कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा ये पता ही नहीं होता है लोगों को, उससे बढ़िया है कि आप बेसिक करो, उससे जल्दी मैं बेसिक कर लेता हूँ। राइट।